रूल नंबर 8 हम लोग देखते हैं फॉर्मेशन का। अगर न्यूमरल एडजेक्टिव के साथ अ हाफ अ क्वार्टर अगर आता है सेंटेंस में तो कैसा सेंटेंस स्ट्रक्चर होना चाहिए, इसके बारे में बात करते हैं। दो सेंटेंस यहाँ पर लिखेंगे, आपको उससे चीज़ें क्लियर होंगी। पहला सेंटेंस है हमारा ही गेव मी 1 रुपी एंड अ हाफ, और दूसरा है ही गेव मी 1 एंड अ हाफ रुपीज़। कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर आपका करेक्ट होगा आपको बताना है। तो ऑफकोर्स यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट होगा ग्रामेटिकली, ऐसे ये सेकंड वाला गलत हो जाएगा, क्योंकि हम लोग ये देखा होगा आपने इस तरीके से काफ़ी गलती करते हैं जब हम अमाउंट भरते हैं अपनी पर्ची में, जब कभी बैंक से पैसे निकालते हैं हम ऐसे ही भरते हैं जब शब्दों में लिखना रहता है अमाउंट को कि इतने एंड अ हाफ रुपीज़, जबकि ऐसे लिखना चाहिए 1 रुपी एंड अ हाफ। ठीक है, ये करेक्ट फॉर्मेशन होता है 1 रुपी एंड अ हाफ, इस तरीके से लिखा जाता है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। पहला सेंटेंस है शी गेव मी 4 रुपीज़ एंड अ हाफ, और दूसरा है शी गेव मी 4 एंड अ हाफ रुपीज़। कौन सा करेक्ट होगा यहाँ पर? तो यहाँ पर पहला वाला आप करेक्ट मानेंगे, ये फॉर्मेशन ध्यान रखिएगा। एंड अ हाफ जो है वो बाद में आना चाहिए, एंड अ क्वार्टर भी हो सकता है। ठीक है, शी गेव मी 2 रुपीज़ एंड अ क्वार्टर, तो क्वार्टर जो है बाद में आएगा। शी गेव मी 4 एंड अ क्वार्टर रुपीज़, ये गलत हो जाएगा। तो सेकेंड रॉन्ग, फर्स्ट वाला करेक्ट, फॉर्मेशन ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं आगे हम लोग। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है यहाँ पर कि अगर न्यूमरल एडजेक्टिव को एंड के साथ जोड़ा गया हो और फ्रैक्शन की बात हो रही हो और वाक्य में मल्टीप्लाई के अर्थ में प्रयोग होना हो तो फॉर्मेशन कैसा बनता है। अभी चीज़ नहीं समझ में आएगी, लेकिन अगर मैं यहाँ पर लिखूँ तो आपको समझ में आएगा। पहला यहाँ पर है 2 एंड अ हाफ टाइम पहला, और दूसरा है 1 एंड अ क्वार्टर टाइम्स। बताइए कौन सा यहाँ पर करेक्ट फॉर्मेशन है? यहाँ पर करेक्ट फॉर्मेशन है सेकंड वाला, ये वाला इनकरेक्ट है। वही यहाँ पर कहना था, अगर एंड के साथ कोई फ्रैक्शन हो, हाफ क्वार्टर, ठीक है, 1/3 ऐसा करके हो, तो हमेशा हम टाइम के साथ एस लगाया करेंगे, क्योंकि टाइम यहाँ पर मल्टीप्लाई के सेंस में यूज़ हो रहा है। जो हमारा नाउन है टाइम, ये मल्टीप्लीकेशन के सेंस में यूज़ हो रहा है, मल्टीप्लीकेशन के सेंस में आ रहा है, इस वजह से यहाँ पर हम एस लगाएंगे। तो बस यही आपको ध्यान में रखना था। मैंने कहा कि रूल रटना नहीं है, आपको फॉर्मेशन समझते जाना है। रूल कभी ऐसे नहीं डायरेक्ट पूछे जाएंगे, लेकिन जो है कभी कभी आ सकता है आपके एग्जाम में। पिछले हाई कोर्ट के एग्जाम में भी हमने देखा था कि बहुत माइन्यूट ग्रामेटिकल चीज़ें पूछ ली गई थी जो आपको पता होना चाहिए था। रूल नंबर 9 हमारा इंपॉर्टेंट रूल है। इसमें यह है कि कुछ कॉमन जेंडर हुआ करते हैं, जैसे कि टीचर, क्लर्क, एडवोकेट, राइटर, ऑथर, लीडर, म्यूजिशियन भी आता है एक। तो इसका मतलब ये होता है कि सारे लोग जो है मेल फीमेल दोनों हो सकते हैं। टीचर मेल होते हैं, क्लर्क फीमेल हो सकती है, मेल हो सकती है, एडवोकेट फीमेल हो सकती है, मेल हो सकती है, ऑथर भी फीमेल और मेल दोनों हो सकते हैं, लीडर भी फीमेल और मेल दोनों हो सकते हैं। तो अभी भी हम वाक्य प्रयोग करेंगे तो इनका जेंडर कैसे डिसाइड करा जाएगा, इनके लिए जो प्रोनाउन लेंगे हम वो क्या लेंगे, कभी कभी ऐसी डिफिकल्टीज आती हैं। एक सेंटेंस लिख रहा हूँ मैं, एवरी कैंडिडेट एवरी कैंडिडेट शुड राइट हिज हर नेम। तो यहां पर आप डिसाइड नहीं कर सकते कि कैंडिडेट क्या है, यहां पर कैंडिडेट फीमेल कैंडिडेट है कि मेल कैंडिडेट है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि हिज या हर के स्थान पर हम किसको चूज करने वाले हैं। ठीक है, तो कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि यहाँ पर हम देयर लगाकर समस्या का समाधान कर सकते हैं। ठीक है, आप देयर लगा सकते हैं कि एवरी कैंडिडेट शुड राइट देयर नेम, ऐसे करके जो है निजात पा सकते हैं। डिसाइड ही नहीं करना पड़ा कि जेंडर कौन सा यूज़ करना है, हिज यूज़ करना है कि आर। लेकिन आपको बता दें, जो मॉडर्न इंग्लिश है या फिर जो मोस्ट एक्सेप्टेड फॉर्मेट है, वो ये कहता है कि अगर यहाँ पर जेंडर नहीं डिसाइडेड है ऐसे लोगों का, कैंडिडेट का, टीचर का, लीडर का, ऑथर का, राइटर का, एडवोकेट का, तो हम उसके लिए हिज को प्रेफरेंस देते हैं। ठीक है, हिज को प्रेफरेंस देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप बहुत छोटा सा जेन्युइन एग्जाम्पल ले सकते हैं अपने घर में। आप दो लोग बैठकर अगर पढ़ रहे हैं, आपका भाई और आपकी बहन, या दो भाई, और दरवाजे पर अगर नॉक होती है तो हम लोग सोचते हैं या फिर हम लोग एक दूसरे से कहते हैं कि देखो कोई आया। ठीक है, भले ही कोई आई हो, कोई महिला आई हो, कोई आपका मतलब फीमेल फ्रेंड आई हो, लेकिन हम लोग कहते हैं देखो कौन आया है। तो समझने वाली बात है कि प्रेफरेंस हमेशा हिज को दी जाएगी, यानी कि मैस्कुलिन जेंडर को माना जाएगा जब जेंडर डिसाइडेड ना हो। एक और सेंटेंस लेते हैं, एवरी पर्सन शुड परफॉर्म हिज हर ड्यूटी। यहाँ पर प्रेफरेंस किसको दिया जाएगा? मैस्कुलिन जेंडर को, हिज को। एवरी टीचर हैज टू मेंटेन साइलेंस इन हर स्लैश हैज स्लैश हिज
क्लास, तो यहां पर हिज को देंगे हम प्रेफरेंस। मान लीजिए कि यहां पर आ जाता है हिज और आ जाता है यहां पर देयर, ठीक है, तो किसको प्रेफरेंस देंगे, तो हम देयर को प्रेफरेंस देंगे, ये आप ध्यान रख सकते हैं। जबकि ऐसा कभी होगा नहीं, हर के साथ देयर आ सकता है, हर के साथ मान लीजिए देयर आ जाए तो आप देयर को प्रेफरेंस दीजिएगा, ये बात ध्यान रखिएगा बस छोटी सी। बढ़ते हैं आगे, रूल नंबर 10, एक छोटी सी बात है जो आपको याद रखनी चाहिए ग्रामर के तौर पर। जैसे कि आप जानते हैं कुछ कॉमन जेंडर होते हैं जो हमने प्रीवियस रूल में देखे, कॉमन जेंडर कौन से होते हैं, टीचर आपका हो गया, आपका डॉक्टर हो गया, तो हम इनके साथ क्या लगाएं। मान लीजिए हमको डिफाइन ही करना है कि ये फीमेल है, तो हम इनकी जगह क्या यूज़ करें, लेडी या वुमन, डॉक्टर या टीचर, बताइए कौन सा सही है, हम क्या यूज करें, हम लेडी डॉक्टर यूज करें, लेडी टीचर यूज करें, या विमेन डॉक्टर विमेन टीचर यूज करें। तो यहां पर ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि लेडी डॉक्टर का यूज करना यहां पर सही है, लेडी टीचर का यूज करना यहां पर सही है, जबकि रॉन्ग होता है, विमेन टीचर यहां पर करेक्ट फॉर्म बनती है। आज से आप ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर आपके एग्जाम में आता है ये दो ऑप्शन, तो आप किसको प्रेफरेंस देंगे, विमेन को, आप विमेन डॉक्टर को अपने एग्जाम में चूज करेंगे, ये करेक्ट है। रूल नंबर 11 बहुत छोटा सा है, आपको कुछ वर्ड यहाँ पर याद रखने हैं जो हमेशा फेमिनिन जेंडर में होते हैं, मतलब हमेशा जो है स्त्री जाति में प्रयोग किए जाते हैं, वो वर्ड हैं जैसे आपका है ब्लॉन्डी, आपका है यहाँ पर मेड, आपका है यहाँ पर मिडवाइफ, आपका यहाँ पर है कॉकेट, ये ध्यान रखना है। पहले बैचलर भी होता था, वर्जिन भी होता था, लेकिन अब जैसे जान रहे हैं कि वर्जिन का जो चलन है अब मेल्स के लिए लोग भी प्रयोग करने लगे हैं, और बैचलर का प्रयोग वैसे जैसे खाली खाली होता था मेल्स के लिए, अब दोनों ही जेंडर के लिए इन दोनों का प्रयोग होने लगा है, तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। वर्जिन मेल फीमेल दोनों के लिए आएगा, और बैचलर मेल फीमेल दोनों के लिए आएगा, ये जो है एक्सक्लूसिवली चार वर्ड ये आएंगे हमेशा फेमिनिन जेंडर के लिए, कॉकेट, ब्लॉन्डी, मेड, मिड वाइफ। ध्यान रखिएगा यहाँ पर गैप है मिड और वाइफ के बीच में। हम लोग बचपन से जेंडर बनाना सीखते आ रहे हैं, हमको बहुत सारे जेंडर पता होते हैं, लेकिन कुछ कुछ जेंडर यहाँ पर होते हैं जो हमको नहीं पता होते हैं, तो उनको यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। आपको मेयर का जेंडर पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता तो जान लीजिए कि मेयर का जेंडर होता है मेयरेस। उसी प्रकार से पीयर का जेंडर आपका होता है पीयरेस। और एक और जो हम जो है जनरली नहीं जानते हैं, वो जैसे ये होता है एयर, यानी कि उत्तराधिकारी, इसका भी जो है आपका फेमिनिन बनता है, लोगों को पता नहीं होता, लोग सोचते हैं कि यही होता है दोनों के लिए, जबकि ऐसा नहीं है, आयर या आयरस जो है एक दूसरे के मैस्कुलिन फेमिनिन जेंडर बनते हैं। ड्यूक का बनता है डचेस, ये जनरली मेरे हिसाब से नहीं पता होगा किसी को, वैसे तो पूरी लिस्ट आपको मिल जाएगी, लेकिन यहाँ पर वो बात कर ले रहे हैं जो आपको नहीं पता होता है, जैसे आपका मिल्क मैन जो होता है, इसका क्या बनेगा जेंडर फेमिनिन वाला, लोग इसको मिल्क विमेन कह सकते हैं, जबकि ये होता है मिल्क मेड, ठीक है, MAID मिल्क मेड। जैसे मैस्कुलिन है, मैस्कुलिन अगर जार है तो इसका फेमिनिन क्या बनेगा, जार का मतलब क्या होता है, रूस के राजा की एक पदवी है, जार हुआ करती थी पहले, तो ये बनेगा आपका जरीना, ठीक है, सी इसमें साइलेंट है दोनों में ही, ये बनेगा जरीना। आपका ब्राइड ग्रूम है और इसका फेमिनिन बनेगा ब्राइड। आपको प्रोसिक्यूटर है, इसका बनेगा प्रोसिक्यूट्रिक्स, इसी प्रकार से आपका एडमिनिस्ट्रेटर का बनेगा एडमिनिस्ट्रेट्रिक्स। तो ये कुछ ऐसे होते हैं जो जनरली जो है आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, जैसे फ्रायर है, फ्रायर का क्या बनेगा, फ्रायर का मतलब क्या होता है आपका, फ्रायर का मतलब होता है पादरी, ठीक है, फादर जो होते हैं चर्च में, और उसका फेमिनिन इक्विलेंट है आपका नन। तो हमने आपको जो लिस्ट दी होगी, जो अभी हम देंगे आपको फेमिनिन और मैस्कुलिन वाली, वो जरूर आप याद करने की कोशिश करिएगा, हो सकता है उससे एक क्वेश्चन आ जाए। पिछली बार जेंडर से एक क्वेश्चन आया था आपके हाईकोर्ट के पेपर में, एक रूल होता है जेंडर के लिए, एक रूल होता है, इसको ध्यान रख सकते हैं कि कुछ नाउन्स जो हैं दो तरह के प्लूरल बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले नाउन है आपका ब्रदर, एक और जो काफी आता है वो है आपका क्लॉथ,
और एक है आपका डाई और एक है आपका इंडेक्स। तो ये जो दो मतलब शब्द हैं, इनके दो दो प्लूरल बनते हैं और दोनों जो है अलग अलग मीनिंग जो है कैरी करेंगे। देखते हैं इनके दो दो प्लूरल क्या हैं। ब्रदर के दो प्लूरल बनते हैं ब्रदर्स। ब्रदर्स का मतलब होता है सन्स ऑफ सेम पेरेंट, मतलब एक ही माता पिता से जन्मे दो पुत्र आपस में भाई बहन मतलब भाई होंगे, ठीक है, एक ही कोख से जन्म लेने वाले। ब्रदरन का मतलब होता है मेंबर्स ऑफ अ सोसाइटी और अ कम्युनिटी, किसी सोसाइटी या कम्युनिटी के मेंबर आपस में ब्रदरन होते हैं। क्या वो ब्रदर्स हैं? नहीं। तो ये जो कभी कभी जो होता है भी ये सेंटेंस मतलब कुछ ऐसे आपके प्लूरल बनते हैं जो मीनिंग ही चेंज कर देते हैं, इनको ध्यान रखना जरूरी है, इनसे एरर आ सकती है। क्लोथ के भी दो मीनिंग निकलते हैं, जैसे क्लोथ का एक होता है आपका प्लूरल क्लोथ्स। क्लोथ्स का मतलब होता है अन स्टिच्ड क्लोथ, यानी कि बिना सिला हुआ कपड़ा जो है आपका क्लॉथ्स कहलाएगा। और एक होता है क्लॉथ्स, इसकी मतलब स्पेलिंग भी अलग हो जाएगी। क्लॉथ्स का मतलब होता है गारमेंट्स या फिर स्टिच्ड क्लॉथ्स या गारमेंट इसको कह सकते हैं, मतलब बना बनाया सिला सिलाया रेडी कपड़ा पहनने लायक। ऐसे ही डाई का बनता है, पहला बनता है आपका डाइस। यहाँ पर स्पेलिंग पर विशेष ध्यान दीजिएगा, इसी में लोग कन्फ्यूज होते हैं। जो ये डाई का प्लूरल डाइस बनेगा तो इसका मतलब होता है स्टैम्प्स यूज फॉर प्रिंटिंग और कॉइनिंग, ठीक है, सिक्के ढालने में और मतलब नोट्स की प्रिंटिंग में जो आपका स्टैम्प यूज होगा, मोहर यूज होगी, वो होगा आपका डाइस। और DICE का मतलब होता है आपका पासा, नॉर्मल डाइस, ठीक है, छह सरफेस वाला पासा। उसी प्रकार से इंडेक्स के दो बनते हैं, एक बनता है इंडेक्सेस। इंडेक्सेस का मतलब होता है टेबल्स यूज्ड इन बुक्स, मतलब जो आपने बुक्स में देखा होगा, आप बहुत सारी बुक्स खरीद चुके हैं एज अ स्टूडेंट, आपने देखा होगा सबसे पहले इंडेक्स दिया रहता है, इंडेक्सेस दिए रहते हैं कि कहाँ पर किस पेज में कौन सा चैप्टर दिया हुआ है, कौन सा क्या कंटेंट है। और एक बनता है इंडेसिस। इंडेसिस का मतलब होता है साइंस यूज्ड इन इन एलजेब्रा, ये है यहां पर। तो इन वर्ड्स और इन वर्ड्स से बनने वाले जो दो दो प्लूरल हैं उनको जरूर ध्यान रखिएगा, इनसे एग्जाम में क्वेश्चन आते रहते हैं, इन्हीं छुपे हुए रूल से आते हैं। एक और हमारा जो है पेक्यूलर टाइप, या कह सकते हैं टिपिकल प्लूरल नाउन यहाँ पर बनते हैं, और मतलब जो आप देखेंगे सिंगुलर और प्लूरल में अंतर हो जाता है। यहाँ पर सिंगुलर क्या कुछ और रहता है, प्लूरल कुछ और ही बन जाता है। कौन कौन से हैं ये, इनकी लिस्ट आपको मिल चुकी होगी, फिर भी एक बार इनको जरूर से देखिए। एक है जैसे स्ट्रैटम, स्ट्रैटम का बनता है स्ट्राटा। एक है फिर आपका जैसे डिक्टम, डिक्टम का बनता है आपका डाइटा। एक एजेंडम है, इसका बनता है एजेंडा। ओवम है, ओवम का बनता है ओवा। और जैसे आपका इरेटम होता है, इसका बनता है इराटा। एक आपका होता है एडेंडम और उसका बनता है एडेंडा। ये जो हैं 5, 6, 7, ये ध्यान रखे जा सकते हैं। कुछ और हमारे होते हैं लैटिन भाषा के, इनसे भी कई बार जो है क्वेश्चन देखे गए हैं, तो इनको भी इग्नोर नहीं करेंगे। ये सिंगुलर हैं, इनका प्लूरल क्या बनेगा? इनका प्लूरल बनेगा रेडियस का बनता है रेडियाई, दो बार आई लगा करके। सिलेबस का बनता है सिलेबी, एक बार आई लगा करके। लोकस का बनता है लोकाई, एक बार आई लगा करके। और जीनियस का बनता है जीनी, दो बार आई लगा करके। तो जो है इनकी स्पेलिंग से कई बार जो एरर बना देते हैं। अब जानते हैं कि एग्जाम का पैटर्न चेंज हो रहा है, वही चीज़ें ज़्यादातर हमसे पूछते हैं जो उनको पता है कि हम पढ़ते समय इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो गए। अब कुछ ग्रीक वाले भी होते हैं, उनको भी देख लेते हैं। ये कुछ ग्रीक वाले हैं। एनालिसिस का बनेगा यहाँ पर एनालिसिस, यहाँ पर SIS था, यहाँ पर SES हो गया है।
इस प्रकार से क्राइसिस बनेगा यहाँ पर, क्राइसिस हाइपोथेसिस बनेगा यहाँ पर इस तरीके से, बेसिस यहाँ पर बनेगा बेसिस। स्पेलिंग बस देखते जाइएगा ध्यान से, थीसिस बनेगा SIS की जगह SES, और यहाँ पर भी पैरन वैसे ही लिखा जाएगा, SES यहाँ पर कर देंगे SIS की जगह, तो ये भी जरूर ध्यान रखिएगा। फिनोमिन का बनेगा यहाँ पर फिनोमिना, और क्राइटेरियन का बनेगा क्राइटेरिया, आप जानते हैं ये हम यूज़ करते हैं काफ़ी। और एक और होता है, जैसे कुछ लोगों को नहीं लगता कि इफ्स का मतलब इफ का भी प्लूरल बन सकता है, जबकि ऐसा है, इफ का प्लूरल परमिसिबल है लैंग्वेज में, इफ का होता है इफ्स, और बट का भी परमिसिबल है, बट का होता है बट्स। ये हो गया हमारा। कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो कि सिंगुलर से प्लूरल की तरफ यदि जाएंगे तो अपने मीनिंग को ही पूरा का पूरा चेंज कर लेते हैं बिल्कुल, ठीक है। जैसे एयर अगर है तो एयर का मतलब आपको पता है हवा होता है, लेकिन अगर एयर्स है तो इसका मतलब होता है दिखावटी, दिखावटी। तो देखेंगे आप कि काफी चेंज होता है, जैसे कंपास है इसका मतलब होता है आपका सीमा या बॉर्डर, और कंपासेस का मतलब एक यंत्र होता है जिससे हम जो है डायरेक्शन फाइंड करते हैं, आपने देखा होगा कंपासेस। फिजिक का मतलब होता है आपका दवा, और वही फिजिक्स का मतलब होता है भौतिकी, जो कि एक सब्जेक्ट है। क्वार्टर का मतलब होता है यहाँ पर एक चौथाई, और वहीं पर क्वार्टर्स का मतलब होता है छोटे छोटे मकान। आपने सुना होगा जैसे अगर मैं बोलूँ आई लिव इन सर्वेंट क्वार्टर्स, तो यानी कि मैं सर्वेंट के छोटे छोटे जो मकान बने होते हैं उसमें मैं रहता हूँ। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है, इससे जो है क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में इन्हीं सब चीज़ों से। नंबर का, अगर नंबर से यहाँ पर प्लूरल बनेगा, जैसे इसका मतलब यहाँ पर संख्या होता है, नंबर का मतलब यहाँ पर इसका मतलब हो जाता है मात्राएं यानी कि क्वांटिटीज। रिटर्न का रिटर्न्स बनता है प्लूरल, रिटर्न्स का मतलब, रिटर्न का मतलब क्या होता है वापसी, वही रिटर्न्स का मतलब हो जाता है हिसाब या फिर आय, तो ये आपको पता होना चाहिए। फोर्स, अगर फोर्सेस बनेगा यहाँ पर, फोर्स का मतलब क्या होता है बल होता है, शक्ति होती है, लेकिन फोर्सेस का मतलब होता है सेना। सैंड का मतलब बालू होता है, लेकिन आपका जो सैंड्स बनेगा उसका मतलब होता है रेगिस्तान डेजर्ट। वुड का मतलब होता है आपका लकड़ी, आपको पता है, लेकिन वुड्स का मतलब हो जाता है जंगल। अब्यूज का मतलब हो जाता है आपका दुरुपयोग, लेकिन अब्यूजेस अगर कहीं पर लिखा जाएगा, इससे भी कई बार आया है, इससे कई बार जो है SSC ने क्वेश्चन पूछा है, अब्यूजेस का मतलब हो जाएगा कुरीतियां। अल्फाबेट अगर सिंगल लिखा है तो इसका मतलब वर्णमाला होता है, हमने आपको पढ़ाया था फर्स्ट वाली क्लास में अगर आपको याद है कि अल्फाबेट का मतलब क्या होता है वर्णमाला। लेकिन अल्फाबेट्स अगर है तो इसका क्या मतलब हो जाएगा, अल्फाबेट्स का मतलब होता है भाषाएं, भाषाएं। मैनर का मतलब होता है तरीका, तौर तरीका जिसको कहते हैं, मैनर का मतलब सिंपली तरीका होता है, जबकि मैनर्स को हम ब्रॉडली व्यवहार कह सकते हैं, व्यवहार या तौर तरीका कह सकते हैं, कि अगर मैं यहाँ पर कोई चीज़ पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, मैं जोर से बोलता हूँ तो हमारा टीचिंग का तरीका है, मेरा टीचिंग का मैनर है, लेकिन मैं कैसे अपने कलीग से बिहेव कर सकता हूँ, कैसे अपने स्टूडेंट से बिहेव करता हूँ, वो मेरा मैनर्स होगा। तो यहाँ पर एस का यहाँ पर महत्व रहेगा, इससे क्वेश्चन बनते हैं। पेन का मतलब होता है दर्द या तकलीफ होता है, लेकिन पेन्स का मतलब रहता है प्रयत्न। आपने सुना होगा कहीं पर लिखा होता है कि ही टुक ग्रेट पेन्स टू अचीव सक्सेस, तो अगर कुछ लोग सोचते हैं कि गलत लिखा है, पेन होना चाहिए, उसने तकलीफें उठाई नहीं, उसने बहुत सारा प्रयत्न किया। कुछ और होते हैं जैसे प्रमाइस का मतलब रहता है प्रस्तावना, लेकिन प्रमाइसिस का मतलब रहता है भवन। आयरन का मतलब रहता है लोहा मटेरियल डाउन के रूप में, लेकिन आयरन्स जब ये बन जाएगा
आयरन से जब बन जाएगा तो इसका मतलब रह जाता है जंजीरें। इफेक्ट का मतलब होता है प्रभाव और इफेक्ट्स का मतलब रहता है सामान। इसी प्रकार से गुड का मतलब रहता है अच्छा, ठीक, ऐसा कुछ, लेकिन गुड्स का मतलब हो जाता है सामान। ग्राउंड का मतलब क्या होता है? जमीन या सतह। लेकिन ग्राउंड्स का मतलब होता है आपका कारण। वाटर का मतलब होता है, आपको पता है, जल या पानी। लेकिन वाटर्स का मतलब होता है यहां पर समुद्र। एडवाइस का मतलब सलाह होता है, लेकिन एडवाइसेस अगर हो जाएगा तो इसका मतलब होता है सूचनाएं। कुछ हमारे और इरेगुलर सिंगुलर और प्लूरल यहां पर नाउंस बनते हैं जिनको समझना यहां पर जरूरी है। जैसे कमांडर इन चीफ है तो आपको जनरली एग्जाम में लगा करके देता है कमांडर इन चीफ्स, ये इसका प्लूरल है, या वाक्य प्रयोग होगा या फिलअप होगा तो ऐसे ही बन के आता है। लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि ये चीज़ गलत है। एफ यहाँ पर नहीं लगेगा, एफ कहाँ पर लगेगा? कमांडर में, ठीक है। कमांडर्स इन चीफ यहाँ पर सही होगा, कमांडर्स इन चीफ, ये यहाँ पर सही फॉर्म बनेगा। यानी एस किस में लगाना है? कमांडर में। जैसे ब्रदर इन लॉ है तो लॉ में जो है एस लगा करके देते हैं जो आपको, वो गलत होता है, ठीक है। आपको एस किस में लगाना है? ब्रदर में लगाना है, ब्रदर्स इन लॉ, ये वाला यहां पर सही है। जैसे मेड सर्वेंट आप किस में लगाएंगे? तो सर्वेंट्स में लगाएंगे, ठीक है। मेड ऐसा कैसे लिखा जाएगा? सर्वेंट्स में यहां पर आप एस लगा देंगे ये वाला। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में कहां पर आएगा? ये सब समझ चुके होंगे कि मेंबर्स में आएगा, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। स्टेप डॉटर का बनेगा यहां पर, स्टेप डॉटर्स। तो ये आपको ध्यान में रखना है।